हेलो फ्रेंड, रियल टाइम सिस्टम के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेम्पोरल कंसिस्टेंसी के बारे में कि टेम्पोरल कंसिस्टेंसी क्या होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बात करें टेम्पोरल कंसिस्टेंसी की, तो टेम्पोरल कंसिस्टेंसी दो तरह की होती है, एक परमानेंट होती है, दूसरी क्या होती है, टेम्पोरल होती है। ठीक है, टेम्पोरल कंसिस्टेंसी क्या होती है, जो टाइम के हिसाब से बदलती रहती है। ठीक है, तो टेम्पोरल कंसिस्टेंसी यहाँ पे कुछ डिफिनेशन दे रखा है, कह रहा है कि टेम्पोरल कंसिस्टेंसी रिफर टू द प्रॉपर्टी ऑफ डेटा बीइंग कंसिस्टेंट ओवर टाइम। जब कोई डेटा क्या होता है कि टाइम के हिसाब से कंसिस्टेंट रहता है, तो वहां पे टेम्पोरल कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट आता है। अगर इस चीज को अदर वर्ड्स में हम देखें तो कह रहा है कि इफ डेटा इज कंसिस्टेंट एट वन पॉइंट इन ए टाइम इन टाइम। ठीक है, अगर कोई डेटा कह रहा है कि एक पॉइंट पे कंसिस्टेंट है, इट शुड रिमेन कंसिस्टेंट एट ऑल सब पॉइंट्स पॉइंट इन टाइम। तो हर पॉइंट पे कंसिस्टेंट होगा ये मैटर नहीं करता, क्योंकि अलग अलग टाइम पे क्या होता है कि उसकी कंसिस्टेंसी चेंज होती रहेगी डेटा की। ठीक है, टेम्पोरल कंसिस्टेंसी की। अब आगे अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट के बारे में, तो कह रहा है कि टेम्पोरल कंसिस्टेंसी इज ए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन रियल टाइम सिस्टम। ठीक है, जो टेम्पोरल कंसिस्टेंसी है ये इंपॉर्टेंट है रियल टाइम सिस्टम के अंदर, वेयर डेटा नीड टू प्रोसेस्ड एंड रिस्पॉन्स टू क्विकली एंड एक्यूरेटली। जहां पे डेटा को क्या करना होता है, प्रोसेस करना होता है, उसके बाद प्रोसेस करके रिस्पॉन्स जल्दी से देना होता और एक्यूरेट मैनर में देना होता है। मतलब जब कोई भी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम हम उसको इनपुट देते हैं, तो हम चाहेंगे कि वो प्रोग्राम प्रोसेस हो और प्रोसेस होके एक क्विक टाइम के अंदर, क्योंकि रियल टाइम सिस्टम के अंदर हम सारी चीजें क्या करते हैं, टाइम बेस्ड भी करते हैं, क्योंकि जो रियल टाइम सिस्टम है टोटली टाइम बेस्ड एक तरह का सिस्टम है। सारे काम क्या होता है कि विद इन टाइम के अंदर होना चाहिए, इन रियल टाइम के अंदर होना चाहिए, और हर एक काम क्या है कि अपने डेडलाइन से पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है, सिस्टम फेलियर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि जो टेम्पोरल कंसिस्टेंसी है रियल टाइम सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब हम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रोग्राम को हम इनपुट दे रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि वो प्रोग्राम जल्दी से क्या हो, प्रोसेस हो और जल्दी से रिस्पॉन्स को जनरेट करे, और जो भी वो रिस्पॉन्स को जनरेट कर रहा है वो रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें जो भी वैल्यू मिल रही है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, यानी कह सकते हैं रॉन्ग मैनर में मिल रही है। तो आगे अगर हम बात कर ले फोर्थ पॉइंट के बारे में, तो कह रहा है कि टू इंश्योर टेम्पोरल कंसिस्टेंसी क्या करती है, रियल टाइम सिस्टम के अंदर यूज होने वाली टेक्निक्स सच एज ए टाइम स्टैम्पिंग होता है या सिंक्रोनाइजेशन के लिए। मतलब कह सकते हैं जो टेम्पोरल कंसिस्टेंसी होती है, जैसे टाइम कंसिस्टेंसी, जैसे टाइम स्टैम्प होता है सिंक्रोनाइजेशन के प्रोसेस में यूज किया जाता है। जैसे टाइम स्टैम्प की अगर हम बात कर ले, तो क्या करता है, एडिंग टाइम स्टैम्प ईच पीस ऑफ डेटा, मतलब जितने भी नंबर ऑफ पीस डेटा होंगे प्रोग्राम के अंदर, उनमें क्या करता है कि टाइम स्टैम्प करने का काम करता है, जिससे हम क्या करते हैं कि जो भी प्रोग्राम होता है, डेटा होता है, हम उनको ट्रैक कर पाते हैं कि डेटा वाज जनरेटेड एंड व्हेन इज नीड टू प्रोसेस्ड, डेटा को कब नीड है प्रोसेस। अब भाई, जैसे अगर हम मान ले हमारा एक क्या है, रियल टाइम सिस्टम, ठीक है, हमने मान लिया हमारे पास क्या है कि छोटे छोटे बहुत सारे डेटा हमने मान लिया। अब ये डेटा कब एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, इनकी डेडलाइन कब आए, तो इन सारी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, इस पे टेम्पोरल कंसिस्टेंसी का यूज करके या तो हम सिंक्रोनाइजेशन यूज कर लेते हैं या तो टाइम स्टैम्प लगा देते हैं। अब टाइम स्टैम्प जब हम इस पे लगा देते हैं, तो ये प्रोग्राम कब एग्जीक्यूट होगा, इससे हम क्या करते हैं, हर एक प्रोग्राम को ट्रैक कर पाते हैं कि आखिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कब होना है, उसकी एग्जीक्यूशन टाइम क्या होने वाली है, मतलब कब इसका एग्जीक्यूशन आएगा और कब ये सीपीयू के अंदर जाएगा और अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा और एक क्विक रिस्पॉन्स और एक्यूरेट वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी चीज हो गई। आगे अगर हम बात करें, तो कह रहे हैं कि सिंक्रोनाइजेशन इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग द टाइमिंग ऑफ द डिफरेंट टास्क टू इंश्योर दैट दे आर एग्जीक्यूटेड एंड अप्रोप्रिएट टाइम्स। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन का भी हम यूज करते हैं कि इन्वॉल्व हो, कोऑर्डिनेटिंग हो, टाइम डिफरेंट टास्क, मतलब हर एक टास्क को अलग अलग टाइम हम डिफाइन करते हैं, जिससे कि कौन सा टास्क कब एग्जीक्यूट होगा, ये सारी चीजों को डिफाइन करने के लिए। अगर हम आगे बात कर ले कुछ, तो यहाँ पे कह रहा है कि रियल टाइम सिस्टम के अंदर आल्सो यूज ए मैकेनिज्म सच एज ए लॉक्स।
तो हम रियल टाइम सिस्टम के अंदर लॉक मैकेनिज्म का यूज करते हैं। ठीक है, लॉक मैकेनिज्म का यूज क्यों करते हैं, जैसे उसमें सेमाफोर हो गया, मैसेज पासिंग हो गए, ये इंश्योर दैट करता है कि जो भी एक्सेस एंड अपडेट इन द कंसिस्टेंट मैनर में होना चाहिए, जो भी डेटा का अपडेशन है, मतलब जो भी हम डेटा को अपडेट कर रहे हैं, डेटा का एक्सेस कर रहे हैं, ये सारा क्या होना चाहिए, एक कंसिस्टेंट मैनर में होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, लॉक मैकेनिज्म का यूज करते हैं। लॉक मैकेनिज्म क्या करता है, जैसे सेमाफोर हो गया, म्यूटेक्स हो गया, इन सारी चीजों को हम यूज करते हैं मैसेज पासिंग के लिए। जैसे रियल टाइम सिस्टम की बात अगर हम करें, फॉर एग्जांपल देखिए कि लॉक जो क्या करता है कि जब हम किसी भी सीपीयू के अंदर, ठीक है, जैसे हम करें रियल टाइम सिस्टम के अंदर, अगर हम मान ले रिसोर्स हमारे पास आर है, ठीक है, अब कोई प्रोग्राम, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई प्रोग्राम या टास्क T1 है, अब ये रिसोर्स R का यूज करके अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि ये क्या करेगा, जो भी रिसोर्स है उसको लॉक करेगा। ठीक है, सेमाफोर के हेल्प से क्या करेगा, टास्क जो भी है रिसोर्स को लॉक करेगा, ताकि जब भी कोई दूसरा टास्क आए इसका रिसोर्स का एक्सेस न ले पाए। क्यों नहीं ले पाए, जब तक टास्क T1 का एग्जीक्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कोई अदर टास्क उस रिसोर्स का यूज नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लॉक का यूज करते हैं किसके अंदर, रियल टाइम सिस्टम के अंदर। एक तरह का मैकेनिज्म है जो क्या करता है, डेटा को अपडेट करना या फिर एक्सेस करना किसी भी चीज को। तो यहां पे क्या कर रहा है कि ये रिसोर्स को एक्सेस कर रहा है टास्क T1, ठीक है, इनको एक कंसिस्टेंट मैनर प्रोवाइड करने का काम करता है। एग्जांपल में ही चीज दे रखा है, कह रहा है कि लॉक कैन बी यूज्ड टू इंश्योर दैट ओनली वन टास्क कैन एक्सेस ए पर्टिकुलर रिसोर्स एट ए टाइम। कह रहा है कि एक टास्क एट ए टाइम पे क्या करे, सिर्फ किसी भी रिसोर्स का यूज कर पाए, प्रिवेंटिंग इनकंसिस्टेंसी दैट Could arise the multiple task access the resource। ठीक है, तो जितने भी टास्क और भी हैं, अगर मल्टीपल टास्क होंगे तो जब टास्क T1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा उसके बाद ये क्या करेगा, लॉक को रिलीज करेगा। जब लॉक और साथ में रिसोर्स दोनों को रिलीज करेगा तो वहां पे क्या करेगा, दूसरा टास्क जिसकी प्रियोरिटी उससे उसके बाद होगी वो क्या करेगा, उस रिसोर्स का एक्सेस कर पाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि टेम्पोरल कंसिस्टेंसी क्या होती है और ये किस तरह से वर्क करती है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।